नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि मैंने पिकअप सेगमेंट की महिंद्रा की आपको गाड़ी का रिव्यू कराया, तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ महिंद्रा की जीतो प्लस गाड़ी, जो कि आपको तीन वेरिएंट में लेने को मिलेगी। जीतो डीजल में मिल सकती है, आपको पेट्रोल में मिल सकती है और सीएनजी में मिल सकती है। तो जीतो गाड़ी मार्केट में एक मार्केट का सेंसर बनाकर निकाली है छोटे पिकअप के हिसाब से। तो इसमें आपकी क्या खासियत है, क्या इसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले एक बार गाड़ी की तरफ देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक नजर गाड़ी की तरफ डालिए, तो चार तरफ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं महिंद्रा के सिग्नेचर लोगो। महिंद्रा की हम कोई भी ब्रांडिंग गाड़ी हमारी होती है, तो सबसे हम शुरुआत करते हैं महिंद्रा के सिग्नेचर लोगो के साथ। बहुत ही आकर्षक लोगो है, देखने को बहुत ही आकर्षक लगता है। साथ साथ क्रोम इसमें ग्रिल की जगह दी हुई है, और आपको रेट के लिए एक ग्रिल के नीचे जगह दी हुई है, फोगलम की जगह इसमें दी हुई है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। साथ ही साथ एक रिफ्लेक्टर की सुविधा भी, अगर रात में आप सफर कर रहे हैं तो इसकी बहुत सुविधा मिलती है, जो कि यात्रा करने में सुविधा मिलती है। साथ साथ दोस्तों, लाइट की अगर बात करें, चौड़ी हैलोजन लाइट है, साथ ही इंडिकेटर की सुविधा इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल साफ क्लियर आएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, सिंगल वाइपर के साथ आपको मेरे साफ करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों बात करें, ओवी रैम दोनों साइड आपको मिलेगा, साथ ही साथ इंडिकेटर की साइड में सुविधा दी हुई है, जो कि आपकी यात्रा को बहुत ही अच्छी तरह के सुविधाजनक करता है। साथ साथ दोस्तों, उस साइड का व्यू आपको गाड़ी का इस तरह का मिलेगा, ब्लैक आउटडोर बंडल। और साथ साथ टायर साइज की दोस्तों अगर बात करते हैं, तो महिंद्रा जीतो में जो टायर साइज आएगा 143 R 12 इंच का इसमें जो टायर आएगा, जो कि आपको 750 किलो जो पास है, तो उसके वजन उठाने की सक्षम रहता है। साथ साथ दोस्तों, अगर डाले साइज की बात करते हैं, महिंद्रा जीतो में जो डाले का साइज आएगा, जिसकी लंबाई होगी 7 फुट 4 लंबाई होगी, और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो चौड़ाई इसमें होगी 4.9 की, तो 7.5 लंबाई और 4.9 की चौड़ाई। इसके साथ साथ दोस्तों, आगे पीछे जो आगे इसमें सस्पेंशन में आपको जो हैवी ड्यूटी के सस्पेंशन होते हैं उसमें मिलेगी, जो आपको वजन उठाने में ज़्यादा सक्षम रहेगा। इसी के साथ साथ बैटरी की जो इसमें दी हुई है, एमरन कंपनी की बैटरी दी हुई है, लेकिन वो लोड के हिसाब से आएगी, जैसे कि इसमें स्पेस यहाँ दिया हुआ, जिससे आप बॉडी कवर करवाते हैं तो इसमें आप इसको कवर करवा के इसको सुरक्षित भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बात करते हैं बैक साइड की, तो ताला जो है हमारा कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो अपना सामान बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। और देखते हैं तो कितना जगह, स्पेस भी बहुत ही आपको देखने को मिलेगा। जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस सेगमेंट में आप इस गाड़ी को तंग लिए हुए आराम से ले जा सकते हैं, कुछ इस तरह से आप इसको बंद करके ले जा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था, BS6 गाड़ी महिंद्रा की, अब महिंद्रा की क्या, अब किसी भी कंपनी की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको BS6 इंजन में मिलेगी। तो BS6 होने के कारण आपको बैक सेंसर की सुविधा हर गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी, तो बैक सेंसर की सुविधा आपको यहाँ दी हुई है, और बैक टेल लाइट। साथ साथ दोस्तों, एक रिफ्लेक्टर की सुविधा, जो कि हम रात में कहीं अगर सफर कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें आपको सुविधा मिलती है। साथ साथ देखिए, डाले पे आपको पीछे महिंद्रा का बैजिंग मार्क मिलेगा, महिंद्रा का बैजिंग मार्क एक आकर्षक। इसके साथ साथ दोस्तों, हम साइड से अगर गाड़ी का व्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, आप देखिए तो एक मजबूत चेसी के साथ आपको ये गाड़ी बनावट में मिलेगी, बिल्कुल मजबूत चेसी के साथ है। जहाँ साथ स्टेपनी की जो जगह दी हुई है, आप देख सकते हैं स्टेपनी की जगह अलग से बहुत अच्छी जगह दी हुई है, आप इसको कवर करवा सकते हैं।
साथ साथ अगर हम फ्यूल इसमें डलवाते हैं तो फ्यूल टैंक की जगह यहाँ पे दी हुई है जिसमें 10.5 लीटर का टैंक है और आप इसमें यहाँ से आप फ्यूल अपना डलवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा जीतो प्लस का बैचिंग मार्क जो कि देखने में कितना आकर्षक लगता है। और अंदर से हम दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आपको जैसे कि व्यू दिखेगा ग्रे कलर का, आपको मजबूत हैंडल मिलेगा, लॉक खोलने के लिए ये आपको सुविधा मिलेगी, मिरर ऊपर नीचे करने के लिए हैंडल है। साथ साथ दोस्तों अब मैं बात करता हूँ ड्राइवर के कंफर्ट की। तो अगर ड्राइवर के कंफर्ट की अगर बात करते हैं तो एक कुशन सीट है जो कि, और स्पेस की अगर बात करते हैं बहुत ही खुला स्पेस है जो कि आपका, क्योंकि जो मेन बात है इसमें जो आपको थंब कंट्रोल हैंडल इसमें स्टेयरिंग में मिलेगा, साथ साथ डी शेप में मिलेगा आपको, ये आपका बोर्डन है जो आपको यूज करने के लिए मिलेगा। साथ डैशबोर्ड की अगर बात करें कि आकर्षक डैशबोर्ड है, और जो सबसे बढ़िया बात है इसका गियर जो शिफ्ट किया हुआ है डैशबोर्ड के अंदर ही शिफ्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेग रूम, अगर हम यहाँ पे खुला स्पेस हम बैठ सकते हैं और उसमें जगह भी आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से बैठ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो जगह दी है आप अपना FM या म्यूजिक सिस्टम जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं, और आप जब करेंगे इसको लगवाते हैं तो इसमें बटन वगैरह की जगह भी यहाँ पे दी हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक लोके लेवल आपको ग्लो बॉक्स मिलेगा, वगैरह अपना पेपर वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे अपना ग्लो बॉक्स में रख सकते हैं। आप डैशबोर्ड इस तरीके से आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट का इसमें आपको चार्जर की सुविधा मिलेगी है। दोस्तों ड्राइवर के कंफर्ट में सबसे पहले अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो थंब कंट्रोल की इसमें सुविधा दी हुई है, और साथ साथ डी शेप में आपको इसका स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, साथ साथ हुड की सुविधा आपको यहाँ मिलेगी, और पार्किंग लाइट की जगह आपको यहाँ पे दी हुई है, आप आराम से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ अगर मीटर की बात करें, इसका जो मीटर है एक डीजल क्लस्टर मीटर की तरह है, आप देख सकते हैं इसमें आप इंजन बत्ती भी देख सकते हैं, आपकी हैंड ब्रेक की जगह दी हुई है, फ्यूल की जगह दी हुई है, तो आप इसमें हर चीज़ की सुविधा देख सकते हैं। और कुछ स्टीयरिंग आपको इस तरीके का देखने का मिलेगा, अब मैं आपको तो दोस्तों डैशबोर्ड कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, साथ साथ आप देख सकते हैं लोकेबल ग्लो बॉक्स आपको यहाँ से आप कुछ भी अपना पेपर वगैरह डाल सकते हैं, ओपन के लिए थोड़ा छोटा ग्लो बॉक्स यहाँ भी दिया हुआ है। और साथ साथ गियर की अगर बात करें तो डैशबोर्ड के अंदर ही आपको गियर बॉक्स मिलेगा, आप आराम से इसको स्मूथली लगा सकते हैं। और साथ साथ अगर अपना आप FM वगैरह या कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप स्पेस यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ आराम से लगवा सकते हैं, साथ साथ बटन वगैरह की सुविधा भी इसमें फिट करा सकते हैं। जैसे कि आपने दोस्तों आपको बैक मिरर की सुविधा यहाँ दी हुई है, और सनराइजर की जगह आपको यहाँ मिल जाएगी, पीछे का स्पेस आप इसमें यहाँ से अगर देखना चाहें तो पीछे का स्पेस आप आराम से इसमें देख सकते हैं। साथ साथ ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए आपको सीट बेल्ट की जगह यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर गियर बक्सा शिफ्ट होने के कारण इसमें लेग रूम स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया है, ताकि आप अगर कोई सामान भी रखना चाहते हैं तो अपना यहाँ पे आराम से सामान भी रख सकते हैं। तो इतना स्पेस एक छोटी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अब मैं आपको गाड़ी के बारे में क्या इसमें फीचर्स हैं, गाड़ी को चारों तरफ से देखा और गाड़ी के बारे में मैंने आपको अंदर से रिव्यू कराया, तो मैं आपके सामने बात करता हूँ गाड़ी के प्राइस की और वेरिएंट की। तो जीतो प्लस जो गाड़ी है आपको 3 वेरिएंट में लेने को मिलेगी, आप 3 वेरिएंट में खरीद सकते हैं, जीतो प्लस CNG भी खरीद सकते हैं, डीजल में भी खरीद सकते हैं और पेट्रोल में भी। और जो इनमें ऑफर्स मिलेंगे आपको मॉडल के हिसाब से मिलेंगे। अगर बात करते हैं डीजल की तो जिसका गाड़ी का प्राइस है आपका 5,18,000 रुपये और डिस्काउंट उसमें आपको मिलेगा 10,000 रुपये का। साथ साथ अगर हम बात करते हैं जीतो CNG की जिसकी कीमत है 5,36,000 में आपको आज का जो ऑफर मिला हुआ 45,000 से 50,000 रुपये का, जो कि आज तक कभी नहीं आया, और जबकि उसमें डिस्काउंट भी 20 से 25,000 रुपये का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और लोन की इसमें सुविधा हर जगह अवेलेबल मिलेगी, हमारे महिंद्रा से लेके महिंद्रा फाइनेंस से अधिकतर सभी बैंक इस गाड़ी को फाइनेंस करते हैं, बाकी वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बंदे का प्रोफाइल है तो उसके हिसाब से आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी। बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज की बात सा है गाड़ी मार्केट की बात सा है, तो अगर माइलेज की बात करते हैं जितो डीजल की जो माइलेज होगी 32 की एवरेज, एक लीटर में आपको 32 किलोमीटर आसानी से तय कर सकते हैं, और CNG की अगर बात करते हैं तो 37 की एवरेज है, एक लीटर CNG में आपका 37 किलोमीटर की एवरेज मिलेगी। बाकी डीजल CNG वेरियंट हो
सबसे मेन बात होती है गाड़ी के ऊपर कि किस कंडीशन में, गियर में और कौन से रास्ते पे गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, तो एवरेज उस हिसाब से आपको निकलने को मिलेगी। बाकी 44 NM का इसमें टॉर्क पावर मिलेगा आपको। और डायलर साइज की अगर बात करते हैं तो 7.4 फीट आपकी लंबाई है और 4.9 इसकी चौड़ाई है। जो इंजन की अगर बात करते हैं, 625 cc का इसमें इंजन देखने को मिलेगा, 715 kg पासिंग, जो कंपनी से पेन लोड है इसका 715 kg पास है, और उठाने की क्षमता 1500 से 1800 किलो तक वजन तक इसमें आराम से आप इसमें कैरी कर सकते हैं। और आप किस किस एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका वेजिटेबल्स का काम है, मिल्क का काम है, या फिर अंदर तंगलियों में जैसे कंबल वगैरह की मार्केट, या फिर दुकानदार भी इस गाड़ी इसे आसानी से तंगलियों में ले जाकर इसको यूज कर सकते हैं। ये कि मार्केट के अंदर तंगलियों की आराम से